हाँ जी, तो बच्चों अभी जो किया हमने जस्ट, वो पिछली क्लासेस में जो भी किया वो क्या किया, इंटरनल हेजिंग। अब क्या करने जा रहा है, एक्सटर्नल हेजिंग। और एक्सटर्नल हेजिंग में हमें वन बाई वन भरना है। मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल हेजिंग है सर, अंतर क्या है, अंतर समझा दूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, मनी मार्केट कवर, करेंसी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर वगैरह, ये सब डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं मनी मार्केट कवर या मनी मार्केट हैज। तो लिखोगे एक्सटर्नल हेजिंग में ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से बचने के लिए सबसे पहले मनी मार्केट हेज, या फिर इसी को बोला जाता है मनी मार्केट कवर। चाहो तो मनी मार्केट हेज बोलूं या मनी मार्केट कवर बोलूं, एक ही बात है। और मनी मार्केट जो करेंगे हम, इंपोर्टर के लिए अलग समझेंगे, एक्सपोर्टर के लिए अलग समझेंगे। अब पढ़ाने का तो दो तरीका हुआ। पहला तरीका ये हुआ कि मैं आपको कुछ लिखवा दूं, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, कि यार करेंसी एक्स को, बट मजा नहीं आएगा उसमें, कि करेंसी एक्स बोरो करेंगे करेंसी वाई में, तो इसमें समझ भी नहीं आएगा कुछ भी कि क्या लिखवाया है सर ने। तो क्यों ना कि एग्जाम्पल लेते, और एग्जाम्पल के साथ साथ ही वो सारा स्टेप्स कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक एग्जाम्पल लूंगा, मतलब मैं सबसे पहले जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मनी मार्केट कवर या हैज फॉर इंपोर्ट, मनी मार्केट कवर फॉर इंपोर्ट। मनी मार्केट कवर समझने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ताकि ना दिक्कत ना हो आगे, तैयारी हम पहले से ले। और क्वेश्चन ये है बेटे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। मान लो कोई बैंक है ना जी सर, और ये बैंक वाला हमको पैसे जमा करने पे 12% इंटरेस्ट देता है। तो सवाल ये है कि आज मान लो मैं 1 लाख रुपए जमा करता हूं, 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करता हूं, तो बताओ बेटे 1 साल बाद विथ इंटरेस्ट कितना रुपया मिलेगा। सर ये तो कोई भी बता देगा, 1 लाख ये और 12% ये, तो मतलब टोटल मिलाकर हमको मिलेगा 1,12,000 रुपए। ये कब मिलेगा, 1 साल बाद। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे चाहिए इस बैंक से 1,12,000 रुपए 1 साल बाद। मैं बैंक वाले से बोल रहा हूं कि बैंक अगर मैं आपके पास कुछ पैसा जमा करूं, कुछ पैसा मतलब कितना नहीं पता, हाँ कितना जमा करूं कि आप 12% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 1 साल बाद मुझे 1,12,000 रुपए चाहिए, तो कितना पैसा जमा करूं। सर 1 लाख रुपए जमा करेंगे, कैसे निकाल रहा, सर प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.12 कर लेंगे, 12% है ना। ऐसा भी बोल सकता हूं कि बैंक, अब ध्यान से सुना, मैं आपके पास कुछ पैसे जमा करना चाहता हूं सिर्फ 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए, और 3 माह बाद मुझे विथ इंटरेस्ट 1,03,000 रुपए चाहिए, बताओ कितना जमा करेंगे। तो अब बैंक हिसाब किताब करेगा, 12% 12 महीने का, तो 3 महीने का 3%, तो डिवाइड किससे कर देंगे, सर प्रेजेंट वैल्यू ही तो निकालना है। हाँ भाई हाँ, कितना रुपए जमा करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, ठीक है जी, बस इसका मुझे यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू का। तो मनी मार्केट कवर फॉर इंपोर्टर,
और उसके अंदर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ध्यान से समझना। अब एग्जाम्पल मान लो बेटे ये है इंडिया, ठीक है जी, ठीक है, ये है यूएस, ये है, नाम लिख दूं, राम, और सर ये कौन है, ए, और राम ने इंपोर्ट किया, राम ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया तो नो डाउट कि हमको पेबल है। सर कितना डॉलर पे करना है? सपोज मुझे 1,03,000 डॉलर पे करना है, और कब पे करना है? आफ्टर 3 मंथ्स। मिस्टर ए ने बोल रखा है कि भाई राम, हम हर किसी को क्रेडिट देते हैं 3 महीने का, तो राम आप भी हमें पेमेंट करना, पर पेमेंट आज करने की जरूरत नहीं, आज करते हो तो भी कोई दुख वाली बात नहीं है, पर आराम से 3 महीने बाद पेमेंट करना, 1,03,000 डॉलर आपको देना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? ए, ठीक है सर, और आपको स्पॉट रेट दिया है $1, ₹60, ₹61, और बैंक में ही जाके 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट भी मालूम है, $1, ₹61, ₹62। अब बेटे राम सोच रहा है, यार आज अगर, वैसे तो मुझे 3 माह बाद पेमेंट करना है, तो मुझे 3 महीने बाद डॉलर खरीदना पड़ेगा, डर है कहीं डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, तो क्यों ना मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। यस, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो राम आपको 3 माह बाद डॉलर खरीदना पड़ेगा, बैंक डॉलर बेचेगा तो 62 के हिसाब से, 1,03,000 डॉलर खरीदूंगा 62 के हिसाब से। लेकिन अगर मैं आज ही डॉलर खरीद के इसको, इस भाई साहब को पेमेंट कर दूं तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, और आज डॉलर कितने का मिलेगा मुझे? 61। तो मैं इस ए के पास गया, मैंने कहा सुनो ए, मैं ना आज ही पेमेंट कर देता हूं आपको। ए बोलता बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए। तो मैंने कहा कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? डिस्काउंट? ए कह रहा कोई डिस्काउंट नहीं, आप आराम से 3 माह बात करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, मैं जब आप मुझे 3 महीने का टाइम दे रहे हो, पर मैं पेमेंट आज ही कर रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट तो चाहिए। पर राम ने मना, ए ने मना कर दिया कि मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट चाहिए, बात खत्म। तो ए से तो बात बनी नहीं, क्या किया जाए, इंटरनली कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो अब हमें एक्सटर्नली, इसको आप लीडिंग बोला करते थे, पर इंटरनली कोई प्रॉब्लम, मतलब बात नहीं बनी, तो अब हम एक्सटर्नल यूज करने वाले हैं। सर एक्सटर्नल यूज क्या करोगे? पहला तरीका, मत करो एक ही खुशा मत, आराम से 3 महीने बाद पेमेंट कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा जाएगा ना जाने दो, कितना जाएगा? 62 के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, 1 रुपया ज्यादा जा रहा। पर और एक मेथड है, अब वो मेथड आपको ध्यान से समझना। यहां यूएस में एक बैंक, और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और 13% ले लीजिए, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, इंडिया में भी एक बैंक है, इंडियन बैंक, और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 16%। अब मैंने कहा यार मिस्टर ए कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, मैं आपको अभी पेमेंट नहीं करता हूं, मैंने यूएस की बैंक में पता लगाया, मैं पहुंचा यूएस की बैंक, मैंने कहा आपके यहां रुपया जमा होता है क्या? यूएस बोलते क्या बात कर, हमारे यहां डॉलर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने कहा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल है, अगर आपको उधार लेना है, हमसे उधार लेना है, तो आपको 13% ब्याज देना पड़ेगा।
मैंने कहा मुझे उधार नहीं लेना, अगर मुझे जमा करना है तो बोले फिर हम 12% ही इंटरेस्ट देंगे। सिंपल सी बात है यार, यही चलता है। तो बैंक 12% इंटरेस्ट देगी 1 साल का। अब मैं कुछ सोच रहा हूं बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं ये सोच रहा हूं, मैं मतलब राम, मैं इसके एंगल से, इससे तो बात ही नहीं होगी, मैं अपने ही बात कर रहा हूं। राम ये सोच रहा है क्यों ना आज ही यूएस की बैंक में जाकर कुछ डॉलर जमा कर देते हैं, ठीक है? और यूएस वाली बैंक से बोल रहा है कि 3 माह बाद हमको दे देना 1,03,000 डॉलर्स। बोले आपको दे देना मतलब समझाओ। मैंने कहा ना ये जो ए है ना, ए इस भाई साहब को मुझे 3 माह बाद पेमेंट करना है। बोले मैं आपकी बैंक में जमा कर देता हूं 1 लाख कुछ डॉलर, कुछ डॉलर मुझे नहीं मालूम कितना, और विथ इंटरेस्ट वो हो जाना चाहिए 1,03,000 डॉलर। बोले ठीक है, उसके बाद 3 महीने बाद आप आओगे। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं आपको फोन लगाऊंगा और आप इस ए को पेमेंट कर देना, बात खत्म। इसको तो 3 महीने बाद 1,03,000 डॉलर चाहिए ना, तो 1,03,000 डॉलर मिल जाएगा। यूएस बैंक ने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यूएस बैंक प्लीज आप बताइए कि आपके यहां जमा करना है कितना, ताकि विथ इंटरेस्ट 3 महीने बाद 1,03,000 डॉलर हो जाए। कहाँ जमा करना है मुझे? यूएस बैंक में। यहां जमा करने का रेट कितना है? 12%। तो 3 महीने का कितना रेट आ जाएगा? 3%। तो मुझे चाहिए 3 महीने बाद 1,03,000 डॉलर डिवाइडेड बाय 1.03 कर देता हूं, तो आज कितना डॉलर जमा करना पड़ेगा? 1,00,000 डॉलर। समझने की कोशिश करोगे ध्यान से? मैंने कहा गुड, यूएस बैंक मैं आपके पास आज 1,00,000 डॉलर जमा करूंगा। बोले ठीक है, 3 महीने बाद विथ इंटरेस्ट वो हो जाएगा 1,03,000 डॉलर। बोले ठीक है, और उसके बाद आप एक को दे देना। यूएस बैंक ने कहा ठीक है, ओके एग्री। एक समस्या तो खत्म हुई कि आज मुझे यहां डॉलर कितना इन्वेस्ट करना है? 1,00,000। अब डॉलर लाए तो कहां से लाए? आज खरीदना पड़ेगा। अब आज का रेट क्या चल रहा है? आज का रेट चल रहा है 61, आज का रेट। तो उसके लिए मुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 1,00,000 डॉलर आज खरीदना है, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी 61 लाख्स की, 61 लाख रुपए, क्योंकि भाई 61 के हिसाब से 1,00,000 डॉलर खरीदना है। तो 61 लाख्स मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। रुपया कहां से करूंगा? इंडिया की बैंक। और इंडिया की बैंक उधार पर कितना? 16%। 16% के हिसाब से उधार ले लूंगा। सिंपल सी बात है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, रुपया उधार लूंगा, उधार लूंगा इंडियन बैंक से, वहां से डॉलर, उस पैसों से डॉलर खरीदूंगा और डॉलर को यहां जमा कर दूंगा, और इतना डॉलर जमा करूंगा कि विथ इंटरेस्ट कितना हो जाए? 1,03,000 डॉलर। मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। सर अगर करेंसी में फ्लक्चुएशन होगा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी को मनी मार्केट बोलते हैं। मैं आपको डिटेल में इसको लिखवाते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, विच ऑप्शन इज बेटर? फॉरवर्ड कवर और मनी मार्केट कवर। ठीक है जी, ठीक है सर। तो पहले क्या कर ले? फॉरवर्ड कवर, ऑप्शन नंबर 1। फॉरवर्ड कवर, फॉरवर्ड कवर में कुछ नहीं करना भाई, ये जमाने भर की बातें सब छोड़ो। सीधा बुकिंग कर लो कि हम 1 डॉलर कितने के हिसाब से करेंगे, 62 के हिसाब से खरीदेंगे, उतने के हिसाब से खरीद लेना, कुछ मत करना। फिर करेंसी का रेट कुछ भी क्यों ना हो, 65 वगैरह कुछ भी क्यों हो जाए, हमें तो 62 के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें क्या करना है? बाय
$1,03,000 3 months forward it to $1,03,000 और फॉरवर्ड रेट कितना चल रहा है 62। तो देख लेते कितने का पेमेंट हो रहा है, 1,03,000 इंटू 62 तो हमारा खर्च हो जाएगा ₹63,86,000। बड़ा ही सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है सर, अब आते हैं ऑप्शन नंबर टू, ये इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट कवर या हेज। बताओ सबसे पहले क्या करोगे? सर सबसे पहले रुपया उधार लेंगे, कहां से? इंडिया से जी। उससे हम डॉलर खरीदेंगे जी, और वो डॉलर यहां जमा कर देंगे। हाँ, और इतना डॉलर जमा करेंगे यूएस बैंक में कि विथ इंटरेस्ट कितना हो जाए, $1,03,000 हो जाए। स्टार्ट तो ऐसे होगा, लेकिन समस्या ये है कि हमें सबसे पहले निकालना तो पड़ेगा कि कितना डॉलर जमा करना है आज, वो निकालना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर वन में हम वही निकालेंगे, तो आ जाएगा स्टेप नंबर वन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन, कहाँ इन्वेस्ट करना है? यूएस से? यूएस बैंक लिखे? नहीं भाई, मनी मार्केट। बैंक जरूरी नहीं है, बैंक तो मैं एग्जाम्पल करवा रहा था। मनी मार्केट समझते हो ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर हो सकते, टी-बिल हो सकते, बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे बैंक एक एग्जाम्पल ले लिया, तो मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन यूएस मनी मार्केट। एट द रेट कितने परसेंट पे जमा करोगे? यहाँ 12% पर है ना। कितने पीरियड के लिए? फॉर 3 मंथ्स। तो वो अमाउंट निकल जाएगा, कितना चाहिए हमें विथ इंटरेस्ट? $1,03,000, और 12% है 12 महीने का, तो 3 महीने का 3% डिवाइडेड बाय 1.03 प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। तो भाई कितना जमा करोगे? $1,00,000। आज $1,00,000 जमा करना है कहाँ? यूएस मनी मार्केट में। ठीक है सर। सर इसके बाद क्या? तो जमा करने के लिए डॉलर आज खरीदना तो पड़ेगा। यस, और खरीदने पर कितने रुपए लगेंगे? तो यहां जाएगा रुपीज रिक्वायर्ड। टू बाय $1,00,000 आज खरीदना है एट स्पॉट रेट। तो देख लेते हैं आज का रेट $1,00,000 इनटू आज का रेट बैंक बेचेगा 61 के हिसाब से, ₹61। तो मुझे लगेगा ₹61,00,000। आज मुझे इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं डॉलर खरीद के यहां जमा कर सकूं। अब इतना रुपया लाओगे तो कहां से लाओगे? 61 लाख इधर से उधार ले लोगे, इंडिया से। इंडिया में उधार कितने परसेंट के हिसाब से? 16% के हिसाब से। तो ये आ जाएगा मेरा स्टेप नंबर थ्री, बोरो रुपीस ₹61,00,000 कहां से? फ्रॉम इंडियन मनी मार्केट।
कितने परसेंट पे? एट द रेट 16% पर एन, कितने पीरियड के लिए? फॉर 3 मंथ। तो 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इंडियन बैंक से, इंडियन मनी मार्केट से हमने 16% के हिसाब से उधार ले लिया। अब विथ इंटरेस्ट मेरा कितना पेमेंट बना? दिस इज कैश आउटफ्लो। कितना रुपया उधार लिया था? ₹61 लाख। कितने परसेंट के हिसाब से? 16%। तो 16% है 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना? 16 × 3 = 4%। तो इसका सीधा फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते 1.04। तो 61 लाख × 1.04, तो आंसर आ गया ₹63,44,000। अब बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं फॉरवर्ड कवर में जाता हूं तो मेरा इतना पेमेंट हो रहा है, और अगर मैं मनी मार्केट में जा रहा हूं तो मुझे इतना कैश आउटफ्लो है। ये भी 3 महीने बाद है, ये भी 3 महीने बाद है, ये भी इतना पक्का देना पड़ेगा, ये मुझे आज ही पता है, आज ही मालूम है कि मुझे इतना ही देना पड़ेगा, चाहे करेंसी का रेट कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर मैं फॉरवर्ड कवर करता हूं तो मेरा इतना ही पैसा खर्च होने वाला है, पर अगर मैं मनी मार्केट में जाता हूं तो सोचते हैं कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज का रेट तो हमको मालूम ही है, हम यहाँ डॉलर जमा कर देंगे और हमको मालूम है कि 12% ब्याज मिलेगा, ये आज ही मालूम है, और हमको मालूम ये भी है कि हम इतना पेमेंट कर देंगे, ये इसको पेमेंट कर देगा, बात खत्म। इट मीन्स आज ही हमको मालूम है, आज ही हम यहां से 61 लाख उधार लेंगे, और हमको मालूम है कि हमको इधर का हमारा पूरा टेंशन खत्म हो चुका, इस बैंक को 3 महीने बाद विथ इंटरेस्ट पैसे वापस कर देंगे। इसका मतलब करेंसी का रेट कुछ भी क्यों ना हो जाए, 3 महीने बाद हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए तो इसका नाम हेजिंग है, दोनों ही रिस्क फ्री है। सवाल यह है कौन सा अच्छा? सब मनी मार्केट। क्यों? क्योंकि इसमें कैश आउटफ्लो कम है, इसमें कैश आउटफ्लो ज्यादा है, ये भी कैश आउटफ्लो है, तो लिख लेते हैं मनी मार्केट कवर इज बेटर, मनी मार्केट कवर इज बेटर। क्यों? ड्यू टू लोअर कैश आउटफ्लो। ठीक है, जिसमें पैसा कम जाएगा वो अच्छा। सर मनी मार्केट में क्या करना होता है? अब बिल्कुल याद करना, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, अभी इंपोर्टर वाला करवाया, एक्सपोर्टर में तो कंफ्यूज हो जाओगे। याद ऐसे है, क्या हमें इसको पेमेंट करना है? हाँ, तो यहां हमारी क्या है? हमारी यहां है लायबिलिटी, हमको पेमेंट करना है, तो लायबिलिटी है, तो इसको कवर करने के लिए हम यूएस में कहीं ना कहीं अपनी एसेट्स क्रिएट करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि ये लायबिलिटी कब की है? 3 महीने बाद की। अगर पेबल है तो यूएस से ही डॉलर कहीं ना कहीं से तो रिसीवेबल होना चाहिए, तो लायबिलिटी है तो हम यहां इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा सर अगर ये मिलने वाला होता तो फिर सोचेंगे, मैं एक्सपोर्टर के एंगल से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, अच्छा करोगे क्या? इंडिया से बोरो, डॉलर खरीदोगे और इन्वेस्ट करोगे। तो यह है मनी मार्केट कवर, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी ना बेटे क्वेश्चन की, तब सारी बातें और समझ में आएगी। अच्छा पहले मैं क्या करवाता था? इंपोर्टर का करवाता था, फिर क्वेश्चन करवा देता था, फिर एक्सपोर्टर का उसके बाद करवाता था, क्वेश्चन करवाता था, पर यार समस्या उस समय तो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ पढ़ो ना तब क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं ये सोच रहा हूं इस बार, अभी ये क्या किया आपने, इंपोर्टर एक्सपोर्टर वाला भी अभी ही करवा देता हूं, और फिर हम जाएंगे क्वेश्चन पे और फिर सोचेंगे कि कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा। तो
अभी इंपोर्टर वाला आपने पढ़ा और इसके बाद फिर हम एक्सपोर्टर वाला डिस्कस करते हैं। तो लिखोगे इसी में दूसरा मनी मार्केट कवर। एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्टर के एंगल से बात करते हैं। प्रोसेस वही रहेगी, पहले एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल इंडिया, ठीक है, यूएस। ये एक पर्सन, क्या नाम था इसका, राम। ये एक पर्सन, इसका नाम क्या रखा था हमने, मिस्टर ए। अब की बार बेटे, अब की बार राम ने क्या किया है, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट किया तो आने वाला है सर, क्या आने वाला है, वही $1,03,000। सिंप्लिसिटी क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जगी, इसलिए मैं $1,03,000, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बताओ रेट क्या क्या, स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 60, 61। अच्छा आने वाला कब है, आफ्टर 3 मंथ्स। और फॉरवर्ड रेट 3 मंथ वाला 59 और 60। अब जो आने वाला है 3 महीने बाद, काश आज आ जाता तो बैंक मुझसे डॉलर खरीदता कितने के हिसाब से, 60 रुपया के हिसाब से। पर यह 3 महीने बाद आने वाला, तो 3 महीने बाद आने वाला तो कितने के हिसाब से खरीदेगा बैंक, 59। आपका डर है तो आप भैया कॉन्ट्रैक्ट करो, 59 के हिसाब से आपका डॉलर बिकेगा। मैं क्या चाहूंगा सर, आप ये चाहोगे कि काश आज ही मिल जाए, ठीक है। अब क्या बना दे, बैंक इंडिया वाली बैंक, इंडिया की बैंक ले लीजिए 10%, 12%। यहां की भी बैंक की बात कर लेते हैं, यूएस, यूएस में इस बार, अच्छा यहां थोड़ा सा चेंज कर लेते, 8%, 10%, 10% और 12%, ठीक है, ठीक है। फॉरवर्ड कवर में क्या करना, फॉरवर्ड कवर में कुछ भी नहीं करना भैया, बुकिंग कर लेते 1,03,000 जो मिलेगा ना उसको हम 59 के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, विच ऑप्शन इज बैड, ऑप्शन नंबर वन फॉरवर्ड कवर, ऑप्शन नंबर टू मनी मार्केट कवर। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर वन करते हैं, ऑप्शन नंबर वन फॉरवर्ड कवर। क्या मिलने वाला है आपको, डॉलर, डॉलर रिसीवेबल, कितना डॉलर, 1,03,000, ठीक है। तो जो डॉलर मिलेगा सीधा सीधा उसको बेच देंगे, मतलब बैंक हमसे खरीदेगा कितने के हिसाब से, 59। तो लिख लेते सेल, अच्छा
इस पार्टी को ऐसा बोल सकते हैं, अभी मिलने में फायदा है ना, तो इस पार्टी को हम लालच दे सकते, सुनो भाई मिस्टर ए आप अभी पेमेंट कर दीजिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे एक्सेट्रा। वो बोलता भैया 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया, मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, बस बात खत्म। तो सामने वाला मान नहीं रहा है, अब हमारे पास कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी तो मैं फॉरवर्ड कवर कर रहा हूं, तो सेल कर दूंगा डॉलर 1,03,000 एट किस रेट पे स्पॉट, तो पेबल कितना आ जाएगा, डॉलर 1,03,000 इंटू 59, कितना रुपया पेबल नहीं रिसीवेबल भाई रिसीवेबल, 1,03,000 इंटू 59, तो ये आ गया 60,70,000, दैट इज रुपीज रिसीवेबल अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर टू। मनी मार्केट कवर, मनी मार्केट कवर, सोचो बेटे सोचो मनी मार्केट कवर में क्या होगा। आपको ये दिख रहा है, बोलो मनी मार्केट कवर में क्या होगा। चलो मैं बताता हूं क्या होने वाला मनी मार्केट कवर। मुझे मिस्टर ए से पैसे लेना है, मिस्टर ए से पैसे में लेट लेता हूं, देर से लेता हूं, तो भाई मुझे जो डॉलर मिलेगा वो तो सस्ते में बिकेगा और मैं आज ही लेना चाहता हूं। काश कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि डॉलर अभी मिल जाए। मिस्टर ए को मैं डिस्काउंट देने को तैयार हूं, पर मिस्टर ए अभी पेमेंट करने को तैयार नहीं है। तो मैं घूमते हुए इस बैंक में पूछा गया, मैंने कहा सुनो सुनो बैंक, अगर आपके यहां से डॉलर उधार लू, डॉलर उधार लू उधार, तो कितने परसेंट पे? बोले जमा करने पे 10%, उधार लेने पे हम 12% लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सुनो मुझे ना 12% ठीक है, मुझे 1 साल के लिए उधार नहीं चाहिए, मुझे 3 महीने के लिए उधार चाहिए। तो बोले 3 महीने का 3%। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सुनो बैंक, अब मैं बैंक को समझा रहा हूं। मैंने कहा बैंक ये जो है ना मिस्टर ए आप ही के यहां का है? बोले हाँ। मैंने कहा आप ही के यहां का है जो मिस्टर ए, वो ना मुझे पेमेंट करने वाला है, वो पेमेंट करने वाला है 1,03,000 डॉलर, वो प्रॉब्लम है वो 3 महीने बाद पेमेंट करने वाला है। तो मैं मिस्टर ए जो मुझे पेमेंट करने वाला है ना, तो मैं इसको बोल दूंगा ये आपके यहां जमा कर देगा 3 महीने बाद 1,03,000 डॉलर, मेरे घर नहीं पहुंचाएगा, वो आप ही के यहां जमा कर देगा, आप ही की बैंक आप ही का आदमी। तो बैंक कहते ठीक है भाई ठीक है कोई इश्यू नहीं, तो बैंक प्लीज मुझे 1,03,000 डॉलर दे दीजिए। बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा पागल समझो भाई, ये जमा करेगा 3 महीने बाद विथ इंटरेस्ट 1,03,000 डॉलर, तो मैं भाई राम आपको 1,03,000 डॉलर नहीं दूंगा, उससे कम उधार दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा कितना उधार दोगे? बोले देखो 1,03,000 ये वाला मेरे पास जमा करेगा ना, तो वो तो 3 महीने बाद, तो आज की वैल्यू निकाल लो 1,03,000, 12% है 12 महीने का, तो 3 महीने का 3%, 1। तो बोले मैं आपको दे सकता हूं $1,00,000 आज उधार। मैंने कहा ठीक है तू भी चलेगा, मेरा टेंशन तो खत्म, यार डॉलर तो आज ही आ गया और इससे जो मिलेगा वो इधर पेमेंट हो जाएगा, बात खत्म। जो $1,00,000 आया उसको मैं आज ही कन्वर्ट करवा लूंगा, कितने के हिसाब से? 60 के हिसाब से, और फिर उसको इस बैंक में मैं जमा कर दूंगा, ताकि मैं देख लूं कि आउटफ्लो 3 महीने बाद मेरे पास इनफ्लो कितना आने वाला। सर इसका मतलब अब क्या करोगे? अब इधर से उधार लोगे, डॉलर बेचोगे, जो रुपया आएगा इस बैंक में जमा करोगे। इंपोर्टर में क्या हो रहा था? इधर से उधार ले रहे थे और इधर जमा कर रहे थे, और एक्सपोर्टर में इधर से उधार ले रहे और इधर जमा कर रहे। सर ये याद कैसे रहेगा, ये तो बड़ी समस्या। मैंने कहा ना अगर आपकी लायबिलिटी है
तो एसिड क्रिएट करना है, अगर एसिड है तो लायबिलिटी क्रिएट करना, ये इस रूल्स है। पिछला इंपोर्टर में हमको देना था, लायबिलिटी थी, तो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा, एसिड क्रिएट किया। यहां क्या सर, लेना है एसिड है, लेना है ना, एसिड्स है, तो यहां हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। लायबिलिटी क्रिएट करेंगे मतलब बोरो करेंगे, ठीक है, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहां से बोरो, तो बस अब लिख देते हैं। बोरो डॉलर फ्रॉम यूएस मनी मार्केट, कितने परसेंट के हिसाब से, एट द रेट 12% पर एन फॉर 3 मंथ। तो बोरोइंग अमाउंट कितना बोरो होगा विथ इंटरेस्ट, मतलब फाइनली $1,03,000 देगा सामने वाला, डिवाइडेड बाय 3 महीने का 3%, तो यहां कितना आ गया डॉलर, 1 लाख डॉलर आ गया। कब आया हमारे पास डॉलर, 1 लाख आज। उस $1,00,000 को क्या करोगे, बेच दोगे, सेल डॉलर 1 लाख किस रेट पर, स्पॉट रेट, तो स्पॉट रेट मतलब 60 के हिसाब से बिक जाएगा, तो डॉलर 1 लाख इंटू ₹60, तो कितना रुपया मिल गया भैया, 60 लाख रुपए मिल गया सर आपको। ये 60 लाख रुपया कब मिला, आज ही मिल गया, तो चलो इंडियन बैंक में जमा कर देते हैं। सर जमा क्यों करा बेटे, ताकि मैं इसका आउटलो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर ला लूं। इन्वेस्ट ₹60 लाख, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, इन इंडियन मनी मार्केट, कितने परसेंट पे जमा करने का, 8% पर है ना, फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। रुपीज रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 मंथ्स, कितना जमा किया था हमने, 60 लाख, 8% 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना, 8 × 3/12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 2%, तो यहां जाएगा 1.02, तो विथ इंटरेस्ट कितना आया, इंटू 60 लाख, तो ये आ गया ₹61,20,000। बस एक बात सोचना आराम से, अगर डॉलर का रेट 3 महीने बाद चेंज भी हो जाता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्या मुझे इतना ही पेमेंट होगा, हाँ, क्योंकि डॉलर तो आज ही मैंने लाकर यहां जमा कर दिया रुपया, और मुझे कन्फर्म है कि इतना रुपया मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डॉलर का रेट कुछ भी क्यों ना हो जाए। और यहाँ की बैंक को मिस्टर ए पेमेंट कर देगा, सर यहाँ की बैंक उधार क्यों देगी हमें बेटे, क्योंकि मुझे मिस्टर ए से मिलने वाला है डॉलर, ये इस बैंक को पता है, तो वो यहाँ की उधार दे देंगे, ठीक है सर। ये बताओ कि इसमें कितना पैसा हमारे पास आ रहा था, रिसीवेबल है 60,77,000, इसमें कितना आ रहा है, 61,20,000। बताओ कौन सा अच्छा है, फॉरवर्ड कवर में कम इनफ्लो है और इसमें ज्यादा इनफ्लो, और ज्यादा इनफ्लो अच्छा, तो लिखोगे मनी मार्केट कवर इज बेटर ड्यू टू हायर कैश इनफ्लो या रुपीज रिसीवेबल, जो लिखना लिख सकते। तो ये था मनी मार्केट। मनी मार्केट कवर में दो चीजें याद रखना पड़ेगा और बार बार क्वेश्चन आएगा, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक साथ करवा दिया इसलिए, ताकि आपको समझ में तो आए कि भाई क्या करना है। तो मनी मार्केट कवर में
अगर इंपोर्ट है, इंपोर्ट है मतलब डॉलर पेबल है, लायबिलिटी है, सुनना याद कैसे रहेगा, अगर डॉलर पेबल है, डॉलर करके करो हो जाएगा, डॉलर पेबल है, पेबल का मतलब लायबिलिटी, तो एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, एसेट क्रिएट करना पड़ेगा मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर डॉलर रिसीवेबल है मतलब आने वाला एसेट्स है, आने वाला है, तो जब आने ही वाला है तो अभी ले लो यार, बोरो कर लो, बोरो एसेट्स है आने वाला है तो लायबिलिटी क्रिएट करोगे, बोरो करोगे, जो चीज जाने वाली है उसको अभी दे दो, इन्वेस्ट कर दो, जो चीज आने वाली है उसको अभी बुलवा लो मतलब बोरो कर लीजिए, बस बात खत्म। बाकी सर क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ होते रहेगा, बहुत बड़े सारे क्वेश्चन है इसके, तो अगली क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखना, ये एग्जाम्पल करवाया हूं, क्वेश्चन आराम से हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ठीक है।